वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन वाइब ग्रीन लाइफ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे सुंदर से प्लांट के बारे में, जिसका नाम भी बहुत सुंदर है, होमोलोमीना। कितना प्यारा नाम है ना, किसी पर्सन का नाम रख दो होमोलोमीना। तो ये जो प्लांट है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये अपनी पत्तियों की वजह से, लीव्स की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्लांट लवर्स को, और जो प्लांट लवर्स नहीं होते हैं कई बार उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये ना मिट्टी के नीचे से इसके बल्ब होते हैं, तो वहां से ना नए नए शूट्स जनरेट करता रहता है, फिर वो एक नया अलग से पौधा बन जाता है, और फिर हर पौधे से अपनी अपनी ब्रांचेस जो है वो चल रही होती हैं। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा घना हो जाता है, इसीलिए लोग इसको ज्यादातर पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी लीव्स के कारण ये अट्रैक्ट करता है। जैसे ये शूट्स जनरेट करता है ना नीचे से, वैसे ही ये इसकी स्टेम से ये रूट्स भी जनरेट करता रहता है, और वो जो रूट्स है ना इसकी लीव्स की हेल्थ मेंटेन करने में, बड़ी बड़ी लीव्स हैं, ज्यादा ना इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, और जो ये जो एक्स्ट्रा रूट्स होती है ना वो काफी ज्यादा हेल्प करती हैं इनकी हेल्थ को मेंटेन रखने में। ये तो इसकी खास बात हो गई, इस तरह से हम इसकी तारीफ करते हैं। फिर बात आती है कि आपको इसका सॉइल मिक्सचर कैसा रखना चाहिए। सॉइल मिक्सचर जो मैं रखती हूँ वो काफी पोरस रखती हूँ। इस वाले में मैंने एकदम ही पोरस रखा है, ये मिट्टी अभी गीली है। एक्चुअली ये जो सेकंड वाला पौधा है आपको थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम से पानी नहीं दिया था, ज्यादा गैप हो गया था, अंडर वाटर चल रहा था, तो इसकी जो लीव्स है ना वो मुरझाने लग गई थी और देखो येलो भी होने लग गई थी। मगर अभी मैंने इसमें पानी देख के तुरंत मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, इसकी वजह से ये जो मिट्टी है ना थोड़ी सी गीली गीली है, आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने इसमें रेत मिला रखी है और इसमें चारकोल भी मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है काफी पोरस रहेगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं और रूट रॉट के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए आपकी जो मर्जी आपको पोरस मिट्टी रखने के लिए मिलाना हो, रेत मिला लो, पर्लाइट मिला लो, आप कोकोनट चिप्स मिला दो, टेराकोटा चिप्स मिला दो, आपको जो मिलाना है आप वो मिला सकते हो इसमें। तो आपको मिट्टी जो है वो काफी लाइट मीडियम रखनी है। अगर आप लाइट मीडियम रखना चाहते हैं तो आप इसमें वो कोकोपीट मिला सकते हैं, और एकदम पोरस होनी चाहिए मिट्टी इसकी, इतना काफी है इसकी केयर के लिए। फिर आता है वाटरिंग। वाटरिंग के लिए हमको तभी वाटर देना है इसमें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ये अंडर वाटर जो है टॉलरेट कर लेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से इसके बल्ब्स खराब हो जाएंगे, इसकी रूट्स खराब हो जाएंगी, ये प्लांट जो है फिर अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो वाटरिंग जो है तभी करना है जब इसकी मिट्टी जो है कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर जो है इसमें हमको, मैं क्या करती हूँ, एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट माय केयर एंड माय एक्सपीरियंस, एंड प्लांट जो है काफी अच्छे से चल रहा है तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसमें आजकल सीविट फर्टिलाइजर दे रही हूँ। इससे पहले मैं हर 15 दिन के अंदर वर्मी कंपोस्ट देती थी, और अभी मैं वर्मी कंपोस्ट जो है हर 15 दिन के अंदर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट का जो है मैंने ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया है, महीने में एक बार दे देती हूँ वो मैं, क्योंकि सीविट फर्टिलाइजर जो है काफी अच्छे से काम करता है, और लीव्स के लिए स्प्रे भी कर देती हूँ मैं सीविट फर्टिलाइजर का, तो ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क करता है और लीव्स के लिए ये अट्रैक्ट करता है ना ये। तो आप कोई भी नाइट्रोजन रिच जो है फर्टिलाइजर वो दे सकते हैं, मार्केट में काफी सारे आते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में आप एनपीके दे सकते हैं 19:19:19 या 20:20:20, आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें इसके प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इसका काफी आसान है, आप डिवाइड करके कर सकते हो। डिवाइड मतलब इसके जो बल्ब्स होते हैं, जो नए नए शूट्स आ रहे होते हैं, नीचे से पौधे आ रहे होते हैं, आप उनको डिवाइड करके कर सकते हो, या फिर आप स्टेम कटिंग से भी कर सकते हो, सॉइल में भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और इसको आप सॉइल में भी लगा सकते हो और वाटर में भी लगा सकते हो। तो आप इस तरह से दोनों तरह से लगा सकते हो, लेकिन माय पर्सनल फेवरेट जो है वो है कि आप डिवाइड करके लगाओ ना, जब ऑलरेडी इतने सारे शूट्स आ ही रहे हैं तो उन्हीं शूट से आप नए नए पौधे बना लो, अलग से स्टेम कटिंग क्यों करनी है। तो मैं जो है डिवाइड करके लगाती हूँ, जिस तरह से मैंने ये आपको दिखा रही हूँ अभी, ये वाला। इसमें मैंने थोड़ा सा जो सॉइल जो है मिक्सचर जो है वो डिफरेंट लिया है, मैंने इसमें गार्डन सॉइल यूज नहीं किया है, मैंने इसमें टेराकोटा चिप्स लिए हैं, पर्लाइट लिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से पोरस रहे, इसकी रूट्स जो है काफी अच्छे से आ जाएं। तो इस तरह से मैंने इसको प्रोपोगेट किया है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें मीली बग्स जो है इन्फेस्टेशन, मीली बग्स की शिकायत जो है वो आ जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो ये केस हुआ, मुझे अदर इन्फेस्टेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन मीली बग्स जो है इसमें आ गए थे और फिर मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि ये जो है ना ये वाला पौधा है, इसमें हर लीव से, हर स्टेम से, मतलब इसकी स्टेम से ना लीव आती है, और वो लीव में अगर मीली बग्स के एग्स रुक गए
तो फिर तो आपका पौधा गया। तो मैंने उस टाइम पे इसमें नीम स्प्रे किया था और इसकी पत्तियों को रेगुलरली मैंने पोंछा भी था गीले कपड़े से, और बहुत ज्यादा मुझे इसकी केयर करनी पड़ी थी क्योंकि मिली बग्स जो है ना आसानी से नहीं जाते हैं। तो आप नीम स्प्रे, अगर आपके उसमें प्लांट में शिकायत आ जाए तो नीम स्प्रे करिए और पत्तियों को रेगुलरली पोंछिए आप गीले कपड़े से, तो ये प्लांट जो है काफी अच्छे से सर्वाइव करता है क्योंकि मिली बग्स का अटैक जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि स्प्रे, हाँ स्प्रे से, नीम स्प्रे से याद आया कि हमको इसकी लीव्स जो है ना बड़ी बड़ी हैं, इनको बहुत अच्छे से केयर चाहिए, तो ह्यूमिडिटी के लिए आप इसमें स्प्रे करते जाएं। और ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट से आता है यार, ह्यूमिडिटी तो इनको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ह्यूमिडिटी के लिए आप स्प्रे करिए, बहुत अच्छे से चलता है। हाँ, येलो लीव्स या क्रिस्पी लीव्स या विल्टिंग लीव्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपका प्लांट जो है विल्ट कर रहा है या येलो लीव हो रही है और क्रिस्पी लीव्स हो रही हैं, येलो लीव के साथ साथ क्रिस्पी लीव्स है तो इसका मतलब अंडर वाटर्ड है आपका प्लांट, और अगर सिर्फ येलो लीव्स है इसका मतलब ओवर वाटर्ड है, और विल्टिंग लीव्स मतलब कि ऐसे झुक रही है नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब रूट रॉट हो चुका है। तो आपको उस तरह से आपके प्लांट को ट्रीट करना है, और रूट रॉट की एक बार शिकायत आ जाए तो आपको तुरंत इसकी मिट्टी जो है वो चेंज कर देना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे और भी बाकी सारे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आगे भी इस तरह से और वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी काफी अच्छे अच्छे प्लांट्स के बारे में। आज के जो डिस्प्ले में प्लांट्स हैं वो है ये जीजी प्लांट जो कि बहुत हेल्दी है, इसको भी मैंने प्रोपोगेट किया हुआ था और इसमें से कई प्रोपोगेट किए। नेक्स्ट वीडियो मैं जीजी प्लांट के बारे में ही बनाऊंगी क्योंकि ये मेरा प्रोपोगेशन जो है काफी सक्सेसफुल हुआ है, इसके बारे में ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये निकल भी नहीं रहा है, देखो आप तो। नेक्स्ट वीडियो हमारा जीजी प्लांट के बारे में होने वाला है, और ये जो ऊपर लगा हुआ है एक टैंगल हार्ट है और एक मनी प्लांट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।